नमस्कार, वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। बता दूँ जैसे कि आज पूरा दिन पीआरआई का स्ट्राइक चल रहा था और उसके बाद ये लोग जो है डिगलीपुर के लिए निकले थे। डिगलीपुर से जो है स्टेट बस बुकिंग करके पीआरआई मेंबर्स आए थे। मैं बता दूँ एक दुर्घटना घटी है यहाँ जंगल में, मोहनपुरा जंगल है टीए मोहनपुरा जंगल पर बस का जो है एक्सीडेंट, हरिनगर यहाँ पर बस का देख सकते हैं, जिस बस में आ रहे थे वो उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए पूरा जंगल के अंदर ड्रेन के अंदर चल गया है, चला गया है बस। और इनका कहना है कि देखिए पूरा टूट के गिर गया। नया बस एक न्यू बस आप देख सकते जो हमारा सीएस के द्वारा दिया गया था, आपने देखा था डिगलीपुर के लिए 4 बस उसमें से ही एक बस है, पूरा दरवाजा टूट के गिरा है। तो बस का कंडीशन तो लग रहा है ड्राइवर को भी अच्छा खासा लगा होगा। हाँ। ड्राइवर तो पिया था। तो इनका कहना है जो गाड़ी चला रहे थे वो ड्राइवर जो है पूरा ड्रिंक करे हुए थे। तो हम इनसे जानते, आप लोग एक बस में आ रहे थे? हाँ, हम लोग बस में आ रहे थे। कैसे एक्सीडेंट कैसे हो? तो चढ़ने साथ ही इतना स्पीड में आया कि बोल नहीं सकता। एक पैसेंजर एक ड्यूटी में आएगा करके बस रोकने बोला, हम लोग भी चलाया मगर ड्राइवर को कुछ भी सुनने में नहीं आया और वो फुल स्पीड में चला के आया एकदम, और सारा अगल बगल झाड़ी उड़ी में हम लोग को पटकते पटकते लेके आया। अरे यहाँ में आने के बाद तो हम लोग को होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है करके। ठीक है, हाँ बहुत ड्रिंक किया था। अच्छा, और उसको भी लगा है पूरा, उसके बदन से भी खून निकलता था। किसी को कुछ हुआ? पैसेंजर को ज्यादा हुआ मतलब इंजर्ड, मतलब खून नहीं हुआ, ऐसे हड्डी उड्डी में लगा है थोड़ा हल्का फुल्का। और तो उनसे पूछने से आपको पता चलेगा इसको लगा है। जी जी, मैं भी बस में था। तो आज का जो सारा परिस्थिति सबको पता है कि किस लिए यहाँ पर माया बंदर में आए थे सब। तो ये बस लेके हम लोग डिगलीपुर से आए थे सुबह। तो आज जब शाम को जब हम लोग लौट रहे थे तो ड्राइवर पिया कि नहीं पिया था वो पहले हम लोग को किसी को पता नहीं था। तो बस का स्पीड इतना ज़्यादा था, हम लोगों ने बहुत बार इनको मना भी किया था कि आप थोड़ा स्लो चलिए स्लो चलिए, तो उन्होंने सुना नहीं। कंडक्टर भी सामने बैठा था, कंडक्टर भी नहीं बोला कि आप स्लो चलो करके। एकदम फ्रेश रास्ता है जो भी एकदम बढ़िया से यहाँ बना है ये जंगल में, ये सीधा रास्ता है। इतना चाल में आया, इतना रफ्तार से आया, वो टर्निंग जो है छोटा सा एक टर्निंग है वो टर्निंग को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये आप देख सकते हैं ये ड्रेन में आके फंस गया। और इतना बुरी हालत में बस गिरा है, अगर राइट साइड में अगर गिरा होता तो जितने भी पैसेंजर बस में था तो मुश्किल था, बचना मुश्किल था सबको। अभी कितना हालत, जैसे कि हमें पता चला 3 पैसेंजर हल्का, अभी 2 पैसेंजर जो है एक लेडी एक जेंट्स है जो हमारे सीतानगर, तीन दो लेडी है जो सीतानगर ग्राम पंचायत के सरपंच जी है मधुसूदन मजुमदार, और एक नंबर वार्ड के मेंबर राधा रानी कबीराज, और 5 नंबर वार्ड के ज्योत्सना मंडल जी। तो ये तीनों जो है ये बहुत ही घायल तरीके से, मुझे लगता है बहुत चोट लगा है इनको। हॉस्पिटल क्यों लेके नहीं जा रहे? हॉस्पिटल अभी इतना दूरी में पता नहीं कैसा है, अभी नेटवर्क भी उतना ये कोई भी गाड़ी में चढ़ा के लेके चले, एम्बुलेंस बुलाया है, एम्बुलेंस निकल के आ रहा है जी। जो भी है बहुत ही बुरा हुआ, ड्राइवर को ये देख के चलाना चाहिए था कि पीआरआई जो है आज इतना धरना किया डीसी ऑफिस में, ये थोड़ा उसको संभाल के चलाना था और ये बात उसको दिल में रखना चाहिए था, माइंड में रखना चाहिए था कि ये जो वापसी में इसको उसी तरह सबको घर पहुंचाना जरूरी था। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो एसटीएस का जो जेई सर है, ये खबर कल तक पहुंच जाएगा। जेई सर से मेरा ये निवेदन है, जेई सर से मेरा ऑब्जेक्शन है, जो भी कंडक्टर जो भी ड्राइवर इस बस में था आज ड्यूटी कर रहे थे, 8112 जो बस है नया बस जो एमपी का तरफ से सीएस का तरफ से जो भी है अंडमान में डिगलीपुर में दिया गया है, 4 बसेस दिया गया है उसमें से 8112 नंबर का जो बस है, इस बस में आज का जो ट्रिप इन्होंने मायाबंदर तक लेके आए हैं, जो ड्राइवर और कंडक्टर है इन पर लीगल एक्शन लिया जाए, ये मेरा कहना है। मैं समिति मेंबर सीतानगर ग्राम पंचायत, धन्यवाद। तो जैसे कि देखिए आज ये बस को जो है बुकिंग करके सुबह लेकर गए हैं, शाम को जो है खाली बस थी, इसमें से पीआरए के कुछ मेंबर्स इसमें आ रहे थे, उतना भीड़ भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं बोल सकते ड्राइवर इतना थकावन था कि उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि पूरा दिन उनको जो है लेकर जगह सुबह हमारे साथ गए 9 बजे और पूरा अभी 5 से 6 बजे जो इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया तभी इनको जो है वो उतना देर वो उधर वेट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, उसके बाद ही आए हैं। तो उसके बावजूद एक्सीडेंट होना वो भी अच्छे
रास्ते में अच्छे बस के साथ कैसे होता है। तो इनका जैसा कहना है ड्रिंक किया हुआ है उसका टेस्ट किया जाए और इस पर कार्रवाई ज़रूर हो, क्योंकि आते जाते हर वक्त ड्राइवर का यही कंप्लेंट आता है कि ड्राइवर ड्रिंक करा रहता है, इस वजह से एक्सीडेंट होता है। हमें जितना पता चला, इस ड्राइवर का कुछ दिन पहले भी एक केस आया था जहाँ पर इन्होंने गाय बच्चे को भी मारा, हमें सुनने में आया। तो इनका एक बार फिर से कार्रवाई करना चाहिए इस विषय को। कहना चाहूँगा ड्रिंक एंड ड्राइव में पुलिस का जो ड्यूटी चलता है ड्रिंक एंड ड्राइव में, पब्लिक अगर ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है तो उनको पकड़ के फाइन किया जाता है 15,000, 20,000, 25,000 तक गाड़ी सीज किया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि एक ड्राइवर जो है पूरा ड्रिंक किया वाला है, इसका भी सही तरीके से जांच करें, इसका भी टेस्ट करें। आप देख सकते हैं ये कल को बोलेगा कि गाड़ी का इसका वीडियो लो, इसका भी वीडियो लीजिए। कल ये बोल सकता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल था, जो हुआ सही बात बोलो, क्या हुआ था? आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दूर जो तुम ड्राइवर आप लिए तुम दूर जो, क्या हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम, क्या हुआ? हमेशा इसमें एडवांस कटिंग रहता है, जो हिसाब से स्टीयरिंग कटिंग करा उस हिसाब से कटा नहीं गाड़ी। क्यों कटा नहीं? नहीं कटा, आपको बस में फॉल्ट है, फॉल्ट बस में है? वो हमको नहीं पता, जो हिसाब से कटा उस हिसाब से गाड़ी है, ड्राइवर में फॉल्ट है। आप ड्रिंक करें, अब आप बात ही नहीं कर पा रहे, मेडिकल करा लीजिए ना, आप बात ही नहीं कर पा रहे। कौन बोल रहा है बात नहीं कर पा रहे करके? सबको हाँ मेडिकल तो होगा ही, मेडिकल इसका बात तो होना ही है, अब देखना भी है मेडिकल करके। लेकिन बस में फॉल्ट है कि नहीं, ये ड्राइवर में फॉल्ट है, क्या बोलता है? ये नया बस है, बस में फॉल्ट है बताइए। अरे इनको भी बस है, सेंसर बस है, जो हिसाब से स्टीयरिंग कटना तो हिसाब से कटा नहीं। पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये क्या करा, एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद बस के नीचे घुसा, घुस के क्या पकड़ के खींचा पता नहीं, खुद हाथ कट मार के लेके आया, मेरे सामने हुआ ये। बस के नीचे घुस के कोई वायर पकड़ के खींचा ताकि ये दिख सके मेरा ब्रेक फेल हो गया या फिर स्टीयरिंग फेल हुआ। इसका हाथ दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, इतना दूर से उसको बस जो है आया, इतना स्पीड में ड्रेन से वो आगे तक गिरा है, वहाँ से आया है। ठीक है, मैं सामने बैठा था, दिमाग खराब करता है। इसका हाथ तब कटा जब नीचे जाके खींचा, कुछ नहीं खींचा भैया, हम देख रहे हैं। आपको एक चीज देने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट आप नहीं बता सकते इसमें, नहीं बता सकते। हाँ हाँ, अभी बचने के लिए टेक्निकल फॉल्ट, स्टीयरिंग कटा नहीं, ब्रेक लगा नहीं, खुद का पहले देखो, खुद ड्रिंक करके बैठा इधर, पब्लिक सर्विस दे रहे हैं आप, पब्लिक सर्विस में ड्रिंक करना अलाउड है क्या आपको? ड्रिंक अलाउड है, ड्रिंकिंग अलाउड है आपको? पब्लिक सर्विस में कैसे आप ड्रिंक करके बस पकड़ा? अच्छा चलो यहाँ से हट जाओ, बंद कर दो सामने, तोरा आगे तोरा ये तोरा जो वाटे कर गया पीछे का, छोटा गाड़ी और बड़ा गाड़ी में फर्क है भैया। तो बोलेरो है, अरे हां चाली होता है, ये लॉजिस्टिक मैनेजर है, मैं दसल का लॉजिस्टिक मैनेजर हूं। हां ठीक है, स्पीड क्या होता है? स्पीड एक ही होता है, गाड़ी क्रॉस करके आ रहा है, दसल का लॉजिस्टिक मैनेजर हूं मैं। हम लोग सामने था, हम लोग का गाड़ी क्रॉस करके आया। तुम उंगली मत दिखाओ यार, तुम खींच के उधर उंगली काटा है, सबको पता है, उंगली मत दिखाओ। बिल्कुल अलग होता है, अलग होता है, फोर व्हीलर का और सिक्स व्हीलर का स्पीड अलग होता है। नहीं नहीं, इसका सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा, सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज है आपके साथ।